हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज अजय यशपाल एंड यू आर विद ईटीएस एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने देखा वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, उनके बीच में रिलेशन भी हमने देखा। आज हम करेंगे कुछ उनके ऊपर क्वेश्चंस एंड प्लैंक थ्योरी और बोहर थ्योरी के ऊपर, अगर हमें वक्त लगा तो हम शुरू कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन द वेव थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक क्वेश्चन लिखेंगे एंड द क्वेश्चन इज वी हैव वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर तो कैलकुलेट एट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव हूज वेवलेंथ इज 600 नैनोमीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल हम एक रिलेशन इसमें लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड हमें वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ इज 600 नैनोमीटर। माइंड इट, एक नैनोमीटर 10⁻¹⁹ मीटर होता है। एज 1 नैनोमीटर इक्विवेलेंट टू 10⁻¹⁹ मीटर, तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी 600×10⁻¹⁹ मीटर। हमने सभी को एमके सिस्टम में पुट कर दिया है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी सी बाय लैम्डा, सी 3×10⁸, वेवलेंथ 600×10⁻¹⁹, तो उसे सॉल्व करेंगे 0.5 × 10⁻¹⁹ −2, 17 − 2, 15 सेकेंड इनवर्स। तो सिंपली 5×10⁴ सेकेंड इनवर्स लिख लीजिए या फिर हर्ट्ज लिख लीजिए। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली हमें वेवलेंथ आ सकती है कैलकुलेट करने के लिए, कुछ भी ऐसा आएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं कि कहीं आपको ये आंगस्ट्रॉम और इनमें कन्वर्जन में प्रॉब्लम ना आ रही हो। तो कन्वर्ट the wavelength into MKS या SI units पहला आप कन्वर्ट करेंगे 500 नैनोमीटर को, दूसरा आप कन्वर्ट करेंगे 5896 आंगस्ट्रॉम को इनटू एमके एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो कैसे किया जाएगा। पहला केस 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻¹⁹ मीटर एंड इन दिस केस 1 आंगस्ट्रॉम इक्वलेंट टू 10⁻¹⁹ मीटर। अब शुरू करते हैं इन सब को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास आएगा 500 नैनोमीटर नैनो इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 10⁻¹⁹5×10⁻¹⁹ मीटर। सेकेंड वन आंगस्ट्रॉम 5896×10⁻¹⁹ मीटर, आंगस्ट्रॉम की जगह पर हमने इतनी वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आएगा 5.896×10⁻¹⁹ मीटर।
अगर हमें इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करना हो तो एक सिंपल सी बात याद रखेंगे कि जो भी वैल्यू कोई भी वेवलेंथ होती है, अगर ये कुछ नैनोमीटर में हो तो एंगस्ट्रॉम में क्या होगा? यूजुअली जो नैनोमीटर में वैल्यूज होती हैं, दीज आर इन थ्री डिजिट्स, यहां पर हमारे पास तीन डिजिट्स होंगे और यहां पर फोर डिजिट्स होंगे। तो अगर आपने इसको यहां पर कन्वर्ट करना है, जस्ट डिवाइड बाय 10 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में जाने के लिए डिवाइड करना है आपको वैल्यू को बाय 10। अगर हम इसी को ही कन्वर्ट करते, देयरफॉर 5896 एंगस्ट्रॉम इज इक्विवेलेंट टू 589.6 नैनोमीटर। दिस इज द वेवलेंथ जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ सोडियम। अगर आपने नमक लिया, सॉल्ट लिया, टेबल सॉल्ट, उसको आपने गर्म किया एंड अगर आपको उसमें से कोई येलो कलर की फ्लेम दिख रही है तो दैट इज दिस वेवलेंथ। तो इसका मतलब ये किसका कलर है? दिस इज ऑफ येलो कलर। ये आपने ध्यान रखना छोटी छोटी बातें। तो येलो कलर का कलर रेंज नियर अबाउट 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो गया। कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती कि इतने पर ये आ गया, इतने पर वो आ गया। अराउंड येलो कलर का वेवलेंथ कितनी आ गई? 600 नैनोमीटर के आसपास अप्रोक्सीमेटली। चलिए, हमने ये तो कर लिया। नाउ अब हम बात करेंगे कि जो एनर्जी का रिलेशन हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था वो क्या है। सो एनर्जी को कोरिलेट किया गया बाय यूजिंग प्लैंक थ्योरी। ये प्लैंक थ्योरी क्या है? प्लैंक थ्योरी टॉक्स अबाउट ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ लाइट। दिस थ्योरी सेज explains relation of this theory explain dual character of electromagnetic wave. It means इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिहेव लाइक वेव एज वेल एज पार्टिकल। इट सेज लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ फॉर्म ऑफ इज अ डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी इनमें होती है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती। अगर मेरे पास एक कैंडल है और उसमें एक हमने फ्लेम इग्नाइट की है, यहां पर फ्लेम है जिसमें से कुछ लाइट एमिट हो रही है, तो जो भी लाइट यहां से हमने देखा, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इसमें छोटे छोटे पार्ट बने हुए हैं। ये एक्चुअली में इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, इसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल बने हुए हैं। दीज आर कॉल्ड क्वांटा।
और ये जो क्वांटा है जिनको हमने पुराने जमाने में तो क्वांटा कहा था, आज की डेट में इन्हें कहते हैं फोटोन। और सो फोटोन या क्वांटा क्या हुआ? फोटोन बीइंग द पार्टिकल ऑफ लाइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस थ्योरी ऑल्सो सेज एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा और फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो जब हमारे पास कोई भी फोटोन आएगा, लाइट आएगी, तो उसकी एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं इसी को दिखा रहा हूं कैसे लिखेंगे। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एक फोटोन की आ गई ना वैल्यू, मल्टीपल फोटोन होते तो, या फिर पहले इसी को पूरा कर देते हैं एच म्यू। पहले तो आप ये समझे ये एच क्या है। एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है दुनिया में, बहुत सबसे छोटे कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है उनमें से एक है ये। और इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलिए हमारे पास एक फोटोन की वैल्यू तो आ गई, मल्टीपल फोटोन होते तो E इक्वल्स टू एन एच म्यू। नाउ व्हाट दिस एन इज, एन इज नंबर ऑफ फोटोन। तो ये क्या कहता है, एफ हमारे पास एक बल्ब है इफ अ बल्ब एमिट्स लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं लाइट ऑफ वेवलेंथ ₹500 नैनोमीटर देन एंड इट्स पावर इज अराउंड लेट्स से 40 वॉट। तो बताएंगे कि इसमें देन कैलकुलेट पॉइंट वन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन एनर्जी एमिटेड पर टाइम। एनर्जी तो खैर हमने यहीं से निकाल देंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा। हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड ही ले लेते हैं। देखिए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। इसमें आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, पहले तो एक फोटोन की कितनी एनर्जी और टोटल कितने फोटोन।
चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। एनर्जी कैसे निकाली जाती है? एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू, एक रिलेशन आया। म्यू तो हमें गिवन ही नहीं है, म्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी, वो तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पास तो नैनोमीटर की यूनिट है जो कि वेवलेंथ होती है, तो इसका तो हमें डायरेक्टली नहीं पता है। इंस्टेड वी आर बीन प्रोवाइडेड बाय वेवलेंथ व्हिच इज दिस मच। तो इन दोनों का रिलेशन देखते हैं ना क्या है, म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो बाय पुटिंग दीज वैल्यू तो हमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। वेवलेंथ यूज किया, फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी यूज की, हमारे पास एनर्जी आई। तो दिस मस्ट बी आर रूट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एनर्जी आती है एच म्यू, म्यू बोले तो सी बाय लैम्डा, एच एस दैट वन 6.626। ये वैल्यू याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.626 10 टू द पावर माइनस 34। स्पीड कितनी है लाइट की? 3 10 टू द पावर 8 वेवलेंथ, 500 नैनोमीटर। अगेन नैनोमीटर से काम नहीं चलेगा, हमें ऐसा यूनिट रखनी है, इसके जगह पर हम रखेंगे 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। ये आया हमारे पास एनर्जी, सब कुछ हमने एसआई यूनिट में रखा है। एसआई यूनिट में एनर्जी की यूनिट होती है जूल, तो यहां पे जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन जूल। तो चलो इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। 6.626 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 500, 10 की पावर्स क्या क्या हुई, माइनस 34 प्लस 8 माइनस प्लस 9, क्योंकि जब ये पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, इसको रैशनलाइज कर देते हैं 2 से, इट विल मेक आर कैलकुलेशन इजियर। ये नीचे 1000 आ जाएगा, 6.626.6 बाय 1000, 10 टू द पावर इट इज 17 माइनस 17, 1000 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर माइनस 3। तो जस्ट सिंप्लीफाई दिस नाउ, 39.6 कैरेट 3 15 1 6 7 3 39.756 10 टू द पावर माइनस 20 जूल। दिस वॉज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। हमने एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर ली है, और तो इतना जरूरी नहीं कि इतना आप लिखें, हमारे पास सभी वैल्यूज जो थी बहुत छोटे छोटे डिजिट में थी, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 39.76 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, या फिर इंस्टेड 39.8 आप लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउंड ऑफ कर दिया। राउंडिंग ऑफ आप जानते हैं कि कैसे किया जाता है। अब हमारा पर्पस था नंबर ऑफ फोटोन निकालना पर सेकंड कितना है। नंबर ऑफ फोटोन के लिए हमने प्लैंक इक्वेशन को दोबारा यूज करना है, पार्ट बी फॉर द सेम क्वेश्चन। एनर्जी इक्वल टू एन एच म्यू, एन इज टू बी कैलकुलेटेड दिस टाइम, एन होना चाहिए एनर्जी बाय एच म्यू। एच म्यू हमें नहीं पता है, बट हम ऑलरेडी ये सब चीजें भी निकाले, दिस इज, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, टोटल एनर्जी एमिटेड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। टोटल एनर्जी हम जो टाइम ले रहे हैं, पर यूनिट टाइम देखना था, पर सेकंड देखना था, टाइम इंटरवल इज 1 सेकंड। तो एनर्जी कितना आया,
देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. पावर वॉज 40 वॉट, टाइम वॉज 1 सेकेंड, 40 जूल हमारे पास टोटल एनर्जी आई. तो टोटल एनर्जी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे न्यूमिनेटर में. ये जो वैल्यू निकाली थी हमने, जो जूल निकाले थे, दीज वर ऑफ, या आप ये यूज कर लें जो हमने ज्यादा एक्यूरेट सॉल्व किया था, इट वॉज ऑफ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. आप इसको डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल गेट द आंसर. तो नंबर ऑफ फोटोन कितने आए, फोर्टी जूल टोटल, इंडिविजुअल एनर्जी 39.756 × 10⁻². दिस इज नियर अबाउट 40. अभी मैं बहुत इनडेप्थ कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं, अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहा हूं. तो इट नियरली कम्स टू बी, ऑल्दो थोड़ा सा बड़ा आएगा, 40 ये भी है, 40 ये भी है, डिनोमिनेटर थोड़ा सा छोटा है. तो यहां पर 1 × 10⁻², यानी कि 10⁻², 40 वॉट के पावर में से निकल जाएंगे. इसका ये नंबर कुछ अगर ध्यान से देखें तो 10⁻², कितना होता है 10⁻², 1 followed by 20 zeros, 1000 of 1000, 1 million है, मिलियन, मिलियन अगेन, अ मिलियन एंड अगेन अ मिलियन. तो 4 millions एंड फॉलोइंग 100, 100 × 100 million. तो दिस इज अ नंबर ऑफ फोटोन जो 1 सेकेंड में निकल रहे हैं. एंड जितनी देर में हमने ये वीडियो शूट किया है, आप सोच सकते हैं कि इसमें कितने फोटोन अक्रॉस हो चुके होंगे. और कहीं से भी हमने 40 वॉट का बल्ब यूज नहीं किया होगा, हमने बहुत ज्यादा हैवी वॉट यूज किए होंगे. तो हम कितने सारे बड़े नंबर्स को एक कैसे ही क्रॉस कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता. एंड आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारी आईज कितनी सेंसिटिव हैं इन सभी रेज के लिए. कि एक अगर हमें अंधेरे कमरे में, डार्क रूम में, अगर इफ वी वांट सम विजुअलाइजेशन इफेक्ट की कुछ है, कहीं से कोई रोशनी की किरण आ रही है, तो दैट जस्ट नीड ओनली 6 फोटोन्स ओनली ही. और हम इतने बड़े नंबर्स को तो बस कभी यू ही इस समय मेरे आईज में जा रहे होंगे, और शायद उससे भी ज्यादा. तो इतना बड़ा ह्यूज स्पेक्ट्रम है हमारे को देखने का, हम इतनी ज्यादा और इतनी माइन्यूट पावर को भी हम एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो कुदरत के खेल निराले. और बस इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे. आज का टाइम तो इसमें इतना पूरा नहीं है कि हम आगे कर पाए. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोहर थ्योरी डिस्कस करेंगे. दैट्स फॉर नाउ, बाय बाय.